सो हेलो एंड व्हाट इज़ अप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग के लिए लेके आ चुका हूँ 10K के अंदर एक ऐसा पीसी बिल्ड जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है ग्राफिक्स कार्ड, जिसकी मदद से आप लोग GTA 5 जैसे गेम्स इजीली प्ले कर पाएंगे अपने पीसी में। तो इस पीसी में आप लोगों को मिलेगी 8GB की रैम, i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर। तो इसमें आप लोगों को मिलने वाला है ग्राफिक्स कार्ड, 2GB ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है GDDR5। ठीक है गाइस, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग कोई भी क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बिल्ड को। तो सबसे पहले जो हम लोग जो है प्रोसेसर यूज़ करेंगे, तो वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कॉम्बो। तो इस कॉम्बो में हम लोगों को मिलने वाला है जेब्रोनिक्स का H61 चिप सेट वाला मदरबोर्ड किट। इसके साथ ही आप लोगों को मिल रहा है i5 3417 2.90 GHz वाला प्रोसेसर और 8GB की रैम, DDR3 वाली ये रैम है। और आप लोगों को एक फ्री CPU फैन भी मिल रहा है। तो ये सारा आपका जो सामान है आप लोगों को मिल जाएगा 4340 रुपये में। तो जो नेक्स्ट हमारा कॉम्पोनेंट है वो है हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट के लिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन मार्केट सजेस्ट नहीं कर रहा, ऑफलाइन मार्केट में आप लोगों को चेक करना चाहिए। ऑनलाइन मार्केट में आप लोगों को PSU के साथ कैबिनेट मिल रहा है 2550 रुपये में। सर्कल इलेन कैबिनेट है ये। तो अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट में चेक करेंगे तो आप लोगों को 1500 का भी ये मिल सकता है न्यू वाला। तो अगर आप लोग जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा है SSD। तो SSD के लिए हम लोग यूज़ करने वाले कंसिस्टेंट की SSD 512 GB की। तो इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। तो ये जो हमारा बिल्ड है ये इसमें अभी एक ही चीज़ बच गई है, वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो मैं इसमें आप लोगों को ऐसा ग्राफिक्स कार्ड बता रहा हूँ, सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोग इस साइड में आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जोटेक का GT710 2GB DDR3 जो ग्राफिक्स कार्ड है वो हमें 2000 में मिल रहा है। तो आप लोग इसे भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। अगर आप लोगों को ये जो सर्कल वाला जो SM कैबिनेट था वो आप लोग ऑफलाइन मार्केट से बाय करते हैं और आप लोगों को 1500 के अराउंड विद SMPS मतलब पावर सप्लाई के मिल रहा है, तो आप लोग 1500 में उसे ले लें तो आप लोगों का 1000 रुपये जो है बजट और बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग ऐसे ही इसे बिल्ड करें ऑनलाइन से ही और आप लोग इस ग्राफिक्स कार्ड को ले लें, तो आप लोगों की जो GTA 5 जैसे गेम्स है वो इजीली जो है आप लोग रन कर पाएंगे। और फ्यूचर में भी आप लोग इसमें ग्राफिक्स कार्ड जो है अपग्रेड कर सकते हैं। आप लोग इसमें मैक्सिमम GTX 1650 जो है ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप लोग को टोटल प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो टोटल प्राइसिंग इस जो PC की है वो है 10928 रुपये। तो अगर आप लोग इसी में जो है मॉनिटर वगैरह भी पेयर करना चाहते हैं तो 5K तक उसका जो है बन जाएगा। आप लोग कोई सा भी 15-16 इंची जो है मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं और एक कीबोर्ड माउस ले सकते हैं। 4000 का मॉनिटर लगा लिए, 500 का कीबोर्ड माउस, तो 4500-5000 के अराउंड आप लोगों का वो भी शॉर्ट हो जाएगा और आप लोगों का एक फुल PC बिल्ड हो जाएगा विद मॉनिटर कीबोर्ड माउस। तो इस PC में आप लोग क्या क्या टास्क कर सकते हैं अभी मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो इस PC में आप GTA 5 जैसे गेम्स इजिली खेल पाएंगे, फायर क्राई 3 तक की गेम्स जो है आप लोग खेल सकते हैं, असैसिन क्रीड की पहली गेम चल जाएंगी और भी कुछ है गेम्स जो है आप लोग इसमें इजिली रन कर पाएंगे। GTX 1050 Ti या GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड आप लोग इसमें ईजिली पेयर कर पाएंगे। थोड़ा बहुत बॉटलनेक होगा पर ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहे इसके कुछ बेंचमार्क्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं ऐसी। مصطفي ويلبك My review of the device. CPU, RAM, graphic card.